पहली तस्वीर कल की है, जब हिंदू संगठनों ने शिमला में प्रदर्शन किया तब पुलिस ने लाठी चार्ज किया और पानी की बौछार की। दूसरी तस्वीर आज की है, जब इसके विरोध में शिमला के व्यापारियों ने सड़क पर जुलूस निकाला और आज अपनी दुकानें बंद रखी। शिमला में सुबह से दुकानें बंद रहीं और व्यापारियों ने हिंदू संगठन और स्थानीय लोगों की उस मांग का समर्थन किया जिसमें मस्जिद को हटाने की मांग की जा रही है। मॉल रोड से लेकर लोअर बाजार तक की दुकानें दोपहर तक व्यापारियों ने बंद रखी और पुलिस कार्रवाई का विरोध किया। जिस प्रकार से प्रशासन ने जबरदस्ती करके उनको उकसाया और उनके ऊपर जो लाठी चार्ज किया है, आज उसके विरोध में सारा का सारा व्यापार मंडल जो है खड़ा है। हम ऋषि को बताना चाहते हैं कि जो आपने कल किया है वो गलत किया है। लोग मस्जिद की तरफ जा रहे थे, प्रशासन ने लाठी चार्ज किया उन लोगों के ऊपर। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो है वो भी तो सरकार के लिए जरूरी है, अगर वो लोग मस्जिद तक पहुंच जाते तो ये बात आराम से बैठ के भी हो सकती थी ना। जो लाठी चार्ज किया वो गलत किया गया है। शिमला के संजौली में ये 5 मंजिला मस्जिद बनी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मस्जिद अवैध है, लोग इसे हटाने की मांग कर रहे हैं। विवाद को देखते हुए मुस्लिमों का एक प्रतिनिधि मंडल आज नगर निगम के कमिश्नर से मिला और अवैध निर्माण तोड़ने का प्रस्ताव दिया। इन्होंने निवेदन किया है कि जो अवैध जो बिल्डिंग का जो अवैध निर्माण कहा जा रहा है उस पोर्शन को आप सील कर दें और बाकी जो कोर्ट का फैसले का हम सम्मान करते हैं, ये इन्होंने कहा है। और जो भी आप तोड़ने के या कि हटाने के या जो भी आदेश देते हैं हमें मान्य होगा। जो जब आएगा फैसला वो हमें हमारी सराखों पे हैं, मगर हम उससे पहले ही इसको डेमोलाइज करेंगे जो अनऑथराइज लग रहा है। क्यों अल्टीमेटली आप लोग जो हैं इस निर्णय पे पहुंचे कि हम लोग खुद ही जो हैं इसको डेमोलिश कर रहे हैं? ये मोहब्बत के लिए, अपनी भाईचारे के लिए। आपसी भाईचारे में हमारा कभी ना खटास आई है और ना कभी आनी चाहिए। अगले महीने की 5 तारीख को अदालत में सुनवाई होनी है, लेकिन सड़क पर बढ़ते विरोध ने सरकार की बेचैनी बढ़ा दी है। और हमने ये कहा है कि जो भी कार्रवाई होगी वो कानून के दायरे में रहकर होगी। मैंने कल भी कई बार इस चीज को दोहराया और आज भी कह रहा हूँ कि अगर इसको डिमोलिश भी करना है तो वो कानून के दायरे में रहकर होगा। 4 सितंबर को विधानसभा में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा था कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी। 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिले कैसे बनी सर? कैसे उसके रिपोर्ट ही कैसे ली उन्होंने समिट ही कैसे किया? सबसे पहली बात तो यह है कब्जाधारी के, अगर कब्जाधारी की है तो सबसे पहले वो नक्शा रद्द करा जाए। जो अवैध 4 मंजिल बनी है सर, इमीडिएटली एक्शन हो उसके ऊपर। मामला अब शिमला से दिल्ली पहुंच गया और एबीपी न्यूज को सूत्रों से मालूम चला है कि आलाकमान सीएम सुक्खू से नाराज है। कांग्रेस सूत्रों का मानना है कि सरकार की मिसहैंडलिंग की वजह से बीजेपी को मौका मिल गया है। सीएम सुक्खू ने नेतृत्व को हालात सामान्य बनाने को लेकर उचित कदम उठाने का भरोसा दिया है। पूरे मामले पर प्रभारी राजीव शुक्ला ने रिपोर्ट दी है, मंत्री ने भी अपना पक्ष रखा है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.